अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी नेशनल ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत चार रंग मुबारक हो और एडवांस ही मुबारक हो। और अभी मैं जा रहा हूँ फाइनली, आज ही तीसरी बात तो रोज़े होते नहीं है, तो अभी मैं जाऊँगा अपने बाल काटने के लिए। तो बहुत अफसोस हो रहा है, डर भी लग रहा है। हो सकता है अभी मैं जाऊँगा सलून, मैंने सलून देखा भाई उधर डी एच ए की तरफ, तो वहाँ पर जाने हेयर कट करने। वो थोड़ा मुझे देखूंगा कुछ करूं या ना करूं, वो तो आपको जाने के बाद पता चलेगा। और सलून भी मैंने आपको बताया तो नहीं, ये बता दिए मेरे ख्याल से। तो अभी जाता हूं, देखता हूं क्या है, क्या सीन है वगैरह वगैरह, आपसे मुलाकात करता हूं निकलते वक्त। रोड पे आ गए सीपीओ के। और बस हम मैकडोनल्ड के करीब ही है जो सी साइड की तरफ है, और बस थोड़ी देर में वो सलून भी आने वाला है, तो फिर थोड़ी देर में मैं आपको उसका भी विज़िट करवाऊंगा। फ़िलहाल तो अभी हमारा रास्ता कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, ये अभी हम शॉर्टकट से आए, वरना चांद रात में तो आपको पता है कि कितनी आवाम घर से बाहर निकली भी होती है। फाइनली हम अपने सलून पहुंच चुके। ये पीछे मेरा सलून आप देख सकते हैं, जहाँ पे बिल्कुल भी रश दारू। अंदर चेक कर दूँ ये सलून कैसे है। अभी मैं सलून के अंदर ही आया हूँ, यहाँ पे बिल्कुल भी आबादी नहीं है, खाली है। नॉर्मली चांद रात में जो रश वगैरह होती है वो है, तो देखते हैं क्या सीन। वैसे मूड तो नहीं हो रहा मेरा बाल काटने का, लेकिन फिर भी काटना पड़ेगा। देखते हैं सलून कैसे, हल्का सा हल्का क्या ऑफिशियल। मैं सलून पहुँच गया हूँ, यहाँ पे नाते वगैरह लगी हुई है, तो म्यूजिक वगैरह टेस्ट होगी तो और यहाँ पे मतलब नॉर्मली जो चांद रात की रश होती है वो तो है नहीं। तो तीन ही लोग बैठे हुए, तो इनमें से एक फारिग होगा तो फिर उसके बाद मैंने जाना। और मैं सामने बैठा हूँ, वहाँ पे भाई बैठे हुए, तो अभी ये मेरे बाल वॉश हो गए जो कि वॉश है पहले से, तो देखते मुझे तो अभी तक कोई भी डीप नहीं समझती है ये, तो सोच रहा हूँ कि क्या करने। वैसे मुझे बाल हेयर कटिंग वगैरह इन सारी चीज़ों का कोई भी शौक वगैरह नहीं है, तो दांतों की हालत मेरी और भी ख़राब हो जाती है। नॉर्मली जब आप घूम रहे होते हो, ब्लॉगिंग कर रहे होते हो, तो उस वक्त इतना इशू नहीं होता है जितना जब आपके ऊपर काम चल रहा होता है, तो उस वक्त ब्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल काम है। ये मैं फर्स्ट टाइम करवा रहा हूँ, मतलब ये है कि आप मुझे एक चीज़ कोई भी आइडिया नहीं। अली हसन, अली हसन, और ये अली हसन भाई ने अभी ये मेरे हाथों में तो मैनीक्योर, हाँ मैं फ़र्स्ट टाइम करवा रहा हूँ, तो मुझे मैनीक्योर पेडीक्योर ना मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो मैं आपको ये फ़र्क दिखाता हूँ कि
फाइनली मेरे बाल काट दिए और बस जिन्होंने मेरे बाल काटे अभी मैं उनको बुलाऊंगा। ये भाई नाम बता रहा हूँ, अली अली भाई ने मेरे बाल काटे और बाल मतलब बहुत ही VIP काटे। तो अली भाई अपनी दुकान का एड्रेस बताओ। ये छोटा भारी है कोस और हेयर ट्रिप से लोन करता है। तो उसकी टाइमिंग क्या है? चाय शाय के सामने ही आप चाय शाय पे आएंगे। तो वैसे चाय शाय फेमस जगह है तो आपको इस शॉप का भी आइडिया हो, जहाँ तक मेरा आइडिया है सुबह 11 से रात 3 बजे तक ओपन होता है। बस इन्होंने मेरे बाल बाल काट दिए, अभी मैं जाऊँगा। बस ये सारी चीज़ें हो गई है, अभी जाने लेट भी बहुत हो गया है, 4 रात का दिन है तो घर पे फैमिली वाले भी इंतज़ार कर रहे होंगे। तो थैंक यू, बहुत अच्छे बाल काटे और मेरे साथ एक और भाई भी उनका भी मैं वो करवाऊँगा। बस मिली है, बस अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ, ये हो जाएंगे देखते कुछ खाने वाने का सीन है क्या सीन। अभी मैंने अपने अच्छे भले बाल काट दिए और ये मेरे पीछे चाय शाय जो अंदर में सलून गया था वो भी ये डिपार्टमेंट वगैरह था और यहाँ पे सारी आवाम वगैरह आई हुई है। अभी मैं तो यहाँ से निकलूँगा, काफ़ी लेट हो गए, बस मैं यहाँ से निकलता हूँ, देखता हूँ कि क्या सीन बनते हैं, कुछ खाने वाने का सीन होता है नहीं। बैठा हूँ चाय शाय में तो अभी बस बाल वगैरह बना लिए। अभी मैं बड़े भाई यहाँ पे ही बैठे हुए, अभी देखते हैं कि क्या खाने का सीन बनता है और ये सारी मेन्यू। आज ये मेन्यू है, आप सबको चांद रात मुबारक हो, एक नए लुक के साथ चांद रात वापस से मुबारक हो। और बस मैं अपने भाई का बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा क्योंकि इन्होंने मेरे लिए मैक्सिमम 4 घंटे इंतज़ार किया और इंतज़ार करना, वैसे इंतज़ार करना बहुत ही है ना, बंदा है ना तंग हो जाता, इसके साथ सर भी है, सर में भी दर्द स्टार्ट हो गया। हमने ऑर्डर दे दिए, अभी खाने का खाऊंगा, फिर खाने के बाद जाऊंगी घर पे। बालदा मेरी बहुत खुश होगी मेरा नया लुक देख के, क्योंकि वो मुझे बोल बोल के थक गई थी कि बाल काट लो, लेकिन मैं नहीं काट रहा था। और हमारे सामने ये कौन से कबाब है? वैसे रेशमी, और ये रेशमी कबाब आ चुके हैं चाय शाय के, और चाय शाय की जो चाय है वो बहुत ही टेस्टी होती है। तो अभी मैं ये खाऊँगा और फिर आपको खा के बताऊँगा कितनी टेस्टी है। और खाओ चलो, और इसने सारी चटनी गिरा चुकी है, क्या है तो अभी मैं पूरा रेपर खोलूँगा, फिर चखूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा ये बोल के। और फाइनली हम निकल लिए घर के लिए, तो मैं अभी आपसे मिलूंगा घर के अंदर। मैं जा रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ये कल आपसे चलो मुलाकात होगी, एडवांस ही दूँ बारह की बाई।